हाय हेलो बच्चों मैं हूं हेमंत शर्मा आपका स्वागत करके मेरे यूट्यूब चैनल पेपर है करके बच्चों तो बच्चों देखेंगे आज के पेपर में हम आपके लिए बीएससी पार्ट सेकंड ईयर वालों के लिए ठीक है बीएससी पार्ट सेकंड ईयर वालों के लिए दोस्तों बॉटनी का पेपर लाए ठीक है किसका है बॉटनी का पेपर लाए हैं और हम आपके लिए इसमें बता दें ये पेपर जो है ये फर्स्ट पेपर है बॉटनी का ठीक है कौन सा है बॉटनी का फर्स्ट पेपर है और आपके लिए जो है सभी के सभी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं ठीक है और ऑल यूनिवर्सिटीज के लिए है क्योंकि ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ठीक है ठीके? तो बच्चों आपके लिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं ठीक है बोर्डनी का पहला पे, पहला पेपर है दोस्तों और ये जो है बी एस सी पार्ट सेकेंडी वालों के लिए है ठीक है तो देखेंगे इससे पहले बढ़ते हैं हम फर्स्ट यूनिट में ठीक है फर्स्ट यूनिट में बढ़ने से पहले बच्चों आप जल्दी से क्लास को शेयर करिएगा तो बच्चों क्लास को शेयर करिएगा और लाइक करते रहिएगा वीडियो को और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जो कि हमारी आने वाली वीडियो एंड नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे ठीक है तो देखेंगे बच्चों इसमें हम पहले क्वेश्चंस की तरफ पढ़ते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है ठीक है तो पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है तो इसमें बताएंगे नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है तो देखेंगे इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वही क्या होगा ऑप्शन नंबर ठीक थी, है लखनऊ ठीक है लखनऊ में स्थित है राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर दा हमारा राइट आंसर रहेगा ठीक है, 10, right है अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारत का सबसे बड़ा हर्बेरियम है ठीक है तो भारत का सबसे बड़ा हर्बेरियम कौन सा है जल्दी से बताएंगे जल्दी से राइट right आंसर बताएंगे कौन सा राइट right आंसर रहने वाला है तो देखेंगे इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वही क्या होगा ऑप्शन नंबर ए ठीक है क्या होगा ऑप्शन नंबर आ होगा इंडियन बॉटनिकल गार्डन कलकत्ता ठीक है इंडियन बॉटनिकल गार्डन कलकत्ता यहाँ पर स्थित है ठीक है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बेंथम एवं हुकर ने पुष्पी पादपों का प्राकृतिक वर्गीकरण दिया वह वर्गीकरण दिया हुआ है ठीक है तो वह वर्गीकरण दिया हुआ है किससे दिया है जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा होगा इसमें तो राइट आंसर हम देखेंगे तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा ऑप्शन नंबर बी ठीक है ऑप्शन नंबर बार हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बह राइट आंसर रहेगा जेनरा ठीक है जेनरा प्लांटेरम ठीक है क्या रहेगा जेनरा प्लांटेरम में ये हमारा राइट आंसर रहेगा ठीक है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है बच्चों आपकी स्क्रीन पे स्क्रीन पे देखेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दिया है दिन पद्धति पुष्पी पादपों के वर्गीकरण का एक सिस्टम है जिसे दिया था किसने दिया था जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है इसमें इसमें राइट आंसर कौन सा रहने वाला है जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे तो देखेंगे इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वही क्या होगा ऑप्शन नंबर ठीक है क्या रहने वाला है ऑप्शन नंबर आ हमारा राइट आंसर रहने वाला है बच्चों ऑप्शन नंबर आ हमारा राइट आंसर रहने वाला है अगर हम देखें और बच्चों एक बात बता दें जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर करिएगा क्लास को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों क्लास को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ठीक है तो साथ साथ में वीडियो को लाइक भी करिएगा वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें तो अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा जाति वृत्ति है ठीक है जाति वृत्तीय वर्गीकरण दिया ठीक है जाति वृत्तीय वर्गीकरण दिया है तो किसने दिया है जल्दी से बताएंगे किसने दिया है कौन सा ऑप्शन राइट रहने वाला है इसमें कौन सा ऑप्शन राइट रहने वाला है देखेंगे इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वह क्या होगा ऑप्शन नंबर बार ठीक है ने ठीक है किसने दिया था हचिनसन ने दिया था ठीक है राइट आंसर रहेगा हचनसन ठीक है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है विश्व के हरबेरियम में सर्वाधिक उपयुक्त होने वाला वर्गीकरण तंत्र कौन सा है तो कौन सा है वर्गीकरण तंत्र कौन सा है जल्दी से जल्दी से राइट आंसर बताएंगे बच्चों राइट आंसर जल्दी से बताइएगा कौन सा राइट आंसर रहने वाला है साथ साथ में वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा तो देखेंगे इसमें जो ऑप्शन रहेगा हमारा वो क्या रहेगा ऑप्शन नंबर ठीक है क्या रहेगा ऑप्शन नंबर दह रहेगा बेंथम एवं होकर ठीक है बेंथम एवं ये हमारा राइट आंसर रहेगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो कृपया करके लास्ट तक देखिएगा वीडियो को क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों बच्चों इसकी हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे दिया है है ठीक से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है हिंदी इंग्लिश दोनों में पीडीएफ है इंग्लिश वाले स्टूडेंट साथ साथ में देखते रहिएगा ठीक है इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी साथ साथ में देखते रहिएगा इंग्लिश में भी दिया है ठीक है तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेंथम एवं होकर के वर्गीकरण में हुकर पिटेशी कुल की स्थिति निम्नलिखित में से कौन सी है कौन सी है जल्दी से बताएंगे राइट right आंसर कौन सा रहेगा इसमें जल्दी से

जल्दी से राइट right आंसर बताएंगे बच्चों तो देखेंगे राइट right आंसर जो होगा वो क्या होगा राइट right आंसर होगा ऑप्शन नंबर ठीक है पॉलीपेटली ये तथा मोनोक्लेमाइडी ठीक है ये राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ठीक है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारा भारतीय वानस्पतिक उद्यान स्थित है भारतीय वानस्पतिक उद्यान स्थित है तो कहाँ स्थित है जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे राइट right आंसर कौन सा रहने वाला इसमें तो देखेंगे इसमें जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा ऑप्शन नंबर आर ठीक है क्या रहेगा ऑप्शन नंबर आ रहेगा कोलकाता में कोलकाता में राइट आंसर रहेगा ठीक है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पद्धति के जन्मदाता हैं पद्धति के जन्मदाता कौन है जल्दी से जल्दी से बताएंगे द्वेनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है देखेंगे द्वेनाम पद्धति के जन्मदाता जो है वो कौन है ऑप्शन नंबर सा लीनियस है ठीक है कौन है बच्चों लीनियस है राइट आंसर रहेगा लीनियस ठीक है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वर्गीकरण का मूलभूत इकाई है वर्गीकरण की मूलभूत इकाई है वर्गीकरण की मूलभूत इकाई कौन सी है जल्दी से बताएंगे जल्दी से राइट आंसर बताएंगे कौन सा रहने वाला है तो देखेंगे बच्चों इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा ऑप्शन नंबर ए जाति ठीक है जाति राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए ठीक है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक गढ़ के लिए वैध अनुलग्न होता है एक गढ़ के लिए वैध अनु अनुलग्न होता है क्या होता है जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या रहने वाला है राइट right आंसर क्या रहने वाला है जल्दी से बताएंगे तो देखेंगे इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वह क्या होगा ऑप्शन नंबर बार ठीक है क्या रहने वाला है ऑप्शन नंबर बार रहने वाला है ठीक है ऑप्शन नंबर बार रहने वाला है ऑप्शन नंबर बार ठीक है ए एल ई सी ऑल्स ठीक है ये राइट right आंसर रहेगा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है लाइट वानस्पतिक उद्यान स्थित है ठीक है जल्दी से बताएंगे लाइट वानस्पतिक उद्यान स्थापित है कहाँ है जल्दी से राइट आंसर बताएंगे कौन सा रहने वाला है तो देखेंगे बच्चों इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वह क्या होगा ऑप्शन नंबर बार ठीक है क्या होगा ऑप्शन नंबर बार दार्जिलिंग दार्जिलिंग हमारा राइट आंसर रहने वाला है ठीक अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है विश्व का सबसे प्रसिद्ध वानस्पतिक बगीचा है ठीक है विश्व का विश्व का सबसे प्रसिद्ध वानस्पतिक बगीचा है तो कौन सा है जल्दी से बताएंगे जल्दी से बच्चों राइट आंसर बताओगे कौन सा रहने वाला है तो देखेंगे जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा ऑप्शन नंबर सात ठीक है और ऑप्शन नंबर सात रहेगा रॉयल वानस्पतिक उद्यान इंग्लैंड ठीक है ये राइट आंसर रहेगा ठीक है, है? अगला देखेंगे अब बच्चों बढ़ते हैं सेकंड यूनिट में ठीक है सेकेंड यूनिट क्या है इसकी सेकेंड यूनिट में देख लेते हैं सेकेंड यूनिट में बढ़ते हैं दिया है पहला क्वेश्चन दिया है कैपीटुलम पुष्पक्रम पाया जाता है तो कैपीटुलम कैपीटोलम पुष्पक्रम कब पाया जाता है किसमें पाया जाता है जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है इसमें तो राइट आंसर देखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा ऑप्शन नंबर बा ठीक है क्या होगा ऑप्शन नंबर वाह होगा एस्ट्रेसी में ठीक है क्या होगा एस्ट्रेसी में पाया जाता है राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ठीक है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया देखेंगे बच्चों पंखीय बर्तिकाग्र पाया जाता है ठीक है पंखीय बर्तिकाग्र पाया जाता है तो किसमें पाया जाता है जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है तो देखेंगे बच्चों इसमें जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा ऑप्शन नंबर सात ठीक है क्या रहने वाला है ऑप्शन नंबर सार रहने वाला है कंपोजिटिव ठीक है ऑप्शन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर सार रहने वाला है ग्रेमिनी में ठीक है ग्रेमिनी में रहने वाला है ऑप्शन नंबर सात ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ध्यान रखिएगा इसको जरूर एक बार देख के जाइएगा वीडियो लास्ट तक देखिएगा बड़े मजे आने वाले हैं इस वीडियो में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बच्चों आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं तो इसको कृपया करके लास्ट तक देखिएगा क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं ठीक है तो देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा द्विबीजपत्रीय पत्रीयों में

उस पाया जाता है तो किसमें पाया जाता है जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा है राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर दी अम्बेली फेरी में ठीक है किसमें अंबेली फेरी में पाया जाता है ऑप्शन नंबर द राइट आंसर रहेगा ठीक है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन गाइनो बेसिक वर्तिका किस कुल का लक्षण गाइनो बेसिक वर्तिका किस कुल का लक्षण अच्छा है तो जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है इसमें जल्दी से तो देखेंगे बच्चों राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा ऑप्शन नंबर ब होगा ठीक है क्या होगा ऑप्शन नंबर ब लेविएटी का ठीक है क्या है लेविएटी कुल का है ऑप्शन नंबर बार राइट आंसर रहेगा ठीक है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इनमें से कौन से पौधे की जड़ में जड़ से औषधि बनती है ठीक है इनमें से कौन से पौधे की जड़ से औषधि बनती है

देखेंगे इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों इसका जो राइट आंसर रहने वाला है क्या रहने वाला है ऑप्शन नंबर सात ठीक है क्या रहने वाला है ऑप्शन नंबर सात रहने वाला है अंबेल पुष्पक्रम ठीक है अम्बेल पुष्पक्रम राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सात ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा बड़े मजे आने वाले हैं इस वीडियो में ठीक है और साथ साथ वीडियो को लाइक भी करते रहेगा वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर भी करते रहेगा अपने दोस्तों के लिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है साइथियम एक विशेष प्रकार का पुष्पक्रम है जो पाया जाता है ठीक है

तो देखेंगे बच्चों इसमें जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा ऑप्शन नंबर आ ठीक है क्या रहने वाला है ऑप्शन नंबर आ रहने वाला है कंपोजिटिव में ठीक है कंपोजिटिव में पाया जाता है राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर आर ठीक है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है किस पुल के पुंकेसरों में मोना मोना मोनाडेल्फक व्यवस्था पाई जाती है और डाइथिकस पराकोश होते हैं और डाइथिकस थी होते हैं तो जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है चार ऑप्शन दिए हैं राइट आंसर कौन सा रहने वाला है जल्दी जल्दी से बताएंगे सही ऑप्शन क्या रहने वाला है तो देखेंगे इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा भाई क्या रहेगा ऑप्शन नंबर सात ठीक है क्या रहेगा ऑप्शन नंबर साह रहेगा मेरन टेसी के ठीक है मेरन टेसी के, के ये ऑप्शन नंबर सा हमारा राइट आंसर रहेगा ठीक है अगला नंबर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पोलिनिया ठीक है पोलिनिया को संयुक्त परागड़ भी कहते हैं यह पाए जाते हैं तो पाए पाए जाते जाते हैं जाते हैं जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है इसमें इसमें राइट आंसर कौन सा रहने बा, क्या है ऑप्शन नंबर बा कैलोट्रॉपिस ठीक है कैलोट्रॉपिस में ठीक है ये ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर रहेगा ठीक है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सेजिटेट सेजिटेट पराकोस तथा ट्विस्टेड एस्टिवेशन किस कुल के लक्षण है ठीक है तो ये किस कुल के लक्षण है जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन रहेगा कौन सा ऑप्शन राइट right रहने वाला है इसमें जल्दी से तो देखेंगे इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा ऑप्शन नंबर ठीक है क्या रहने वाला है ऑप्शन नंबर सा रहने वाला है एपोसाइनेसी के ठीक एपो है एपोसाइनेसी के लक्षण है कौन से कुल के लक्षण है एपोसाइनेसी के ठीक है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है किस कुल के गाइनेशियम में एपोकार्पस दशा पाई जाती है ठीक है एपोकार से बताएंगे राइट आंसर कौन सा है जल्दी से जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या रहने वाला है ठीक है क्या रहेगा ऑप्शन नंबर आ रहेगा रेनन पुलेशी में ठीक है रेनन पुलेशी में ये हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर आ ठीक है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है इंजीनिशियम एवं पेटेलस कुंकेश्वर तथा इंफीरियर अंडाशय किस कुल में पाए जाते हैं किस कुल में पाए जाते हैं जल्दी से बताएंगे तो हमारा राइट आंसर right रहने वाला है इसमें ऑप्शन नंबर है क्या रहेगा ऑप्शन नंबर द रहेगा कंपोजिटी ठीक है, है? कंपोजिटी हमारा राइट आंसर रहेगा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं पुष्पों में एक विशेष लक्षण लिलिय के पुष्पों में एक विशेष लक्षण है तो कौन सा विशेष लक्षण है जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या आंसर रहने वाला है तो देखेंगे इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा ऑप्शन नंबर सात ठीक है ट्राई मैरस पुस्ट ट्राई मैरस पुस्ट यह राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सात ठीक है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कंपोजिटिक कुल का पौधा जो संपूर्ण भारत में एक समस्या बन चुका है जो संपूर्ण भारत में एक समस्या बन चुका है तो वो कौन सा है जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या रहने वाला है इसका इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है तो देखेंगे इसका जो राइट right आंसर रहने वाला है है ऑप्शन नंबर क्या है ऑप्शन नंबर कांग्रेस ठीक right है कि ठीक ठीक है है ये रहेगा देख लेते हैं पुष्पक्रम पाया जाता है ठीक है पार्टी सिलास्टर पुष्पक्रम पाया जाता है जल्दी से बताएंगे क्या ऑप्शन रहेगा इसमें राइट right आंसर क्या रहने वाला है जल्दी से तो देखेंगे ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर सात ठीक है ऑप्शन नंबर हमारा राइट रहेगा तुलसी ठीक है तुलसी हमारा राइट आंसर रहेगा ठीक है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बच्चों पुला हुआ जरायु तथा तिरछापट किस कुल में पाए जाते हैं ठीक है थीके? तो किस कुल में पाए जाते हैं जल्दी से राइट right आंसर बताएंगे बच्चे सभी बच्चे राइट आंसर बताएंगे कौन सा रहने वाला है जल्दी से बताएंगे तो देखेंगे इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा बच्चों

नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है यदि नर जननांग जननांग माता जन से पहले विकसित हो तो ऐसे पुष्पक्रम कहलाते हैं तो थीके? तो ठीक है ऐसे पुष्पक्रम क्या कहलाते हैं जल्दी से बताएंगे ऐसे पुष्प क्या कहलाते हैं तो देखेंगे ऐसे पुष्प जो है वो क्या कहलाते है? हैं ऑप्शन नंबर सा राइट आंसर रहेगा ठीक है ऑप्शन नंबर सार राइट आंसर रहेगा प्रोटेंडस ठीक है क्या कहलाते हैं प्रोटेंडस कहलाते हैं ऑप्शन नंबर स राइट आंसर रहेगा ठीक है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पुष्प में पुष्प में उमंग तथा जायांग स्थित लंबवत अक्ष को कहा जाता है लंबवत अक्ष को कहा जाता है तो किसी को कहा जाता है जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन रहेगा जल्दी से राइट आंसर कौन सा रहने वाला है तो देखेंगे राइट आंसर जो होगा वो चुका होगा ऑप्शन नंबर आर ठीक है क्या रहेगा ऑप्शन नंबर आर गायनोपोर गायनोफोर हमारा राइट आंसर रहेगा ठीक है गायनोफोर हमारा राइट आंसर रहेगा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है किस पुल में बहादल पैपस में प्रतिवर्तित हो जाते हैं ठीक है बहाबल पैपस में प्रतिवर्तित हो हुजा, परिवर्तित हो जाते हैं तो राइट right आंसर क्या रहेगा इसमें जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे सभी बच्चे बताएंगे राइट right आंसर कौन सा रहने वाला है तो देखेंगे इसका जो राइट right आंसर रहने वाला है वह क्या है एस टी रेशी ठीक है क्या रहने वाला है एस टी रेशी हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर आर ठीक है ऑप्शन नंबर आर एस टी रेशी राइट आंसर रहेगा ठीक है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा छत्रक पुष्पक्रम साइजो फल कामा कीमोकार्प कामा मैरी तथा स्टाइलोपोडियम पाए जाते हैं तो किसमें पाए जाते हैं जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है राइट आंसर कौन सा रहने वाला है देखेंगे राइट आंसर जो होगा वो तो क्या होगा ऑप्शन नंबर बार ठीक है अम्बली अम्बली फेरी यानी कि एपीएसी ठीक है अम्बली फेरी में पाए जाते हैं इसका दूसरा नाम एपीएसी भी है ठीक है तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ये राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बार ठीक है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किस पुल में बहुत से बीज होते हैं ठीक है थिके? तो किस पुल में बहुत से बीज होते हैं जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है इसमें ठीक है तो राइट आंसर देखेंगे हमारा कौन सा रहने वाला है ऑप्शन नंबर राइट आंसर रहेगा ठीक है सोले में सोले में बहुत से बीज होते हैं ठीक है ये हमारा राइट आंसर रहेगा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गन्ने के अंदर पुष्पक्रम पाया जाता है ठीक है गन्ने के अंदर पुष्पक्रम पाया जाता है तो कैसा पाया जाता है जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है कौन सा राइट आंसर रहेगा तो देखेंगे इसमें जो राइट right आंसर रहेगा वह करेगा ऑप्शन नंबर साठिकल ठीक है पैनिकल आंसर right रहेगा ऑप्शन नंबर ठीक है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है पेप्लियोनेशी कुल में प्लेटे शेंटे, प्लेसेंटेशन पाया जाता है ठीक है प्लेसेंटेशन पाया जाता है तो जल्दी से बताएंगे क्या ऑप्शन रहेगा राइट right आंसर क्या रहने वाला है इसमें जल्दी से पेप्लियोनेशी कुल में प्लेसेंटल प्लेसेंटेशन पाया जाता है तो राइट आंसर क्या रहने वाला है इसका तो देखेंगे राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा ऑप्शन नंबर सात ठीक है मार्जिनल ठीक है मार्जिनल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सात ठीक है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पाए जाते हैं ठीक है तो क्लिस्टोगैमस फूल पाए जाते हैं किसमें पाए जाते हैं राइट आंसर क्या रहने वाला है इसका इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है क्लिस्टोगैमस फूल पाए जाते हैं तो देखेंगे बच्चों इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वह क्या होगा ऑप्शन नंबर ब ठीक है क्या रहने वाला है ऑप्शन नंबर ब रहने वाला है ठीक है ऑप्शन नंबर ब क्या हो जाएगा हमारा रोटेशी ठीक है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ओबडी प्लोस्टेनिमस ठीक है ओबडी प्लोस्टेमिनस स्थिति पाई जाती है किसमें पाई जाती है बच्चों जल्दी से बताएंगे राइट right आंसर क्या रहने वाला है बच्चों जल्दी से फटाफट जवाब दीजिएगा दे तो देखेंगे इसका जो हमारा राइट आंसर होगा भाई क्या होगा ऑप्शन नंबर आठ ठीक है क्या होगा ऑप्शन नंबर आ रोटेशी में रोटेशी में ये हमारा राइट right आंसर होगा ठीक है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमारा पाए कुल के पुष्पों में पर्यंत पाया जाता है ठीक है तो पोएसी कुल के पुष्पों में पर्यंत पाया जाता है तो जल्दी से बताएंगे राइट आंसर इसका कौन सा रहने वाला है जल्दी से जल्दी से बताएंगे तो देखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा ऑप्शन नंबर क्या रहेगा ऑप्शन नंबर सा हमारा राइट आंसर रहेगा ठीक है लोडिक्यूल लोडिक्यूल द्वारा ठीक है लोडिक्यूल द्वारा हमारा राइट आंसर रहेगा ठीक है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है निम्नलिखित में से किसकी पत्तियों में समानांतर शिरा विन्यास पाया जाता है ठीक है समानांतर शिरा विन्यास पाया जाता है तो राइट आंसर क्या रहने वाला है इसका जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या रहने वाला है तो देखेंगे इसका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा ऑप्शन नंबर सात ठीक है केला में ठीक है केला राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सात ठीक है ऑप्शन नंबर सात राइट आंसर होगा केला ठीक है अगला नेक्स्ट चलते हैं यूनिट थर्ड की तरफ ठीक है तो थर्ड यूनिट देखते हैं थर्ड यूनिट में क्या है थर्ड यूनिट का पहला क्वेश्चन दिया है इससे पहले सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे जल्दी से फैला दीजिएगा पूरे क्लास को सभी बच्चों को बता दीजिएगा कि बॉटनी का बॉटनी सेकेंड ईयर वालों का फर्स्ट पेपर चालू हो गया है जो कि सारा, सारा के सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं तो इसको जरूर देखें क्योंकि जितने ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाले हैं ठीक है वो सभी इसी में से आने वाले हैं ठीक है तो सभी क्वेश्चन इसमें से आने वाले हैं वेरी क्वेश्चन है ठीक है तो कृपया करके वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बच्चों तो देखते हैं पहले क्वेश्चन इसका यूनिट थर्ड का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहने वाला है हमारा स्टील की बहा परत कहलाती है ठीक है तो स्टील की बहा परत क्या कहलाती है जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या रहने वाला है इसका तो देखेंगे राइट आंसर भी होगा वो क्या होगा एंडोडर्मिस ठीक है क्या कहलाती है एंडोडर्मिस कहलाती है ये राइट आंसर रहेगा ठीक है अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बाइकोलेटरल बाइकोलेटरल बास्कुलर बंडल पाए जाते हैं ठीक है तो बाइकोले बाइकोलेटरल बास्कुलर बंडल पाए जाते हैं किसमें पाए जाते हैं जल्दी से बताएंगे राइट right आंसर कौन सा रहने वाला है इसमें जल्दी से राइट आंसर कौन सा रहने वाला है तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सा हमारा राइट right आंसर रहेगा ठीक है कुकर बेटा कुकर बेटा हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सात ठीक है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है घाव के ऊपर पतली सतह की बनी हुई कोशिकाओं तो का ट्यूमर की तरह ऊतक कहलाता है उमर की तरह कहलाता है क्या कहलाता है जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या रहने वाला है 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 तो देखेंगे इसमें जो राइट आंसर होगा 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 वह क्या हो क्या ऑप्शन ऑप्शन नंबर नंबर द द ठीक ठीक हैलोज हमारा राइट आंसर रहेगा ठीक है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन मूल रोम किससे निकलते हैं मूल रोम जो है वो किससे निकलते हैं जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या रहने वाला है इसका जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे राइट आंसर क्या रहने वाला है तो देखेंगे इसका जो राइट आंसर रहेगा वही क्या रहेगा ऑप्शन नंबर ठीक है ऑप्शन नंबर रहेगा एपी बिलेमा एपी बिलेमा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बच्चों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा एक नेक्स्ट तो. क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों हाँ तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कार्क को कोशका का मुख्य मुख्य रासायनिक भाग है ठीक है तो काय कोशिका का मुख्य रासायनिक कार्क को कोश का मुख्य रासायनिक भाग है तो कौन सा है राइट आंसर क्या रहेगा हमारा सुबेरन ठीक है ऑप्शन नंबर बार सुबेरेन हमारा राइट आंसर रहेगा ठीक है ठीके? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है जड़ में जड़ में पेरी बनाती है ठीक है जड़ में पेरी साइकिल बनाती है तो क्या बनाती है जड़ में जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या रहने वाला है इसमें

एम्फी वेजर बैस्कुलर बंडल कहलाते हैं तो एम्फीवेजर वेजर बैस्कुलर बंडल कहलाते हैं क्या कहलाते हैं जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहने वाला इसका तो देखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा भाई क्या होगा ऑप्शन नंबर सात ठीक है लेफ्ट तो सेंट्रिक ठीक है लेफ्ट तो सेंट्रिक राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सात ठीक है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बुली फार्म सेल किसकी पत्तियों में पाई जाती है ठीक है तो बुली फार्म सेल किसकी पत्तियों में पाई जाती है जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या रहने वाला इसका जल्दी से तो देखेंगे जो राइट आंसर होगा भाई क्या होगा ऑप्शन नंबर बार गेहूं ठीक है गेहूं जो है हमारा राइट आंसर रहेगा ठीक है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पौधों में भोजन संग्रह संग्रहण होता है ठीक है तो पौधों में भोजन संग्रहण होता है किसके कारण होता है जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या रहने वाला है जल्दी से राइट आंसर क्या रहने वाला है सभी बच्चे बताएंगे तो देखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा भाई क्या होगा ऑप्शन नंबर आर ठीक है क्या रहेगा ऑप्शन नंबर आ रहेगा पैर कायमा कोस कामे ठीक है पैरन कायमा ये हमारा राइट आंसर रहेगा ठीक है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सभी बच्चे बताएंगे तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है को मेरिस्टेम कहते हैं क्योंकि क्योंकि यह कैसा होता है जल्दी से बताएंगे जल्दी से कौन सा ऑप्शन रहने वाला है तो देखेंगे क्योंकि यह ऑप्शन नंबर राइट आंसर रहेगा अक्ष की मोटाई में वृद्धि करता है ठीक है क्या करता है अक्ष की मोटाई में वृद्धि करता है ठीक है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों

जल्दी से बताएंगे तो देखेंगे निम्न में से किस पत्री में सामान्य की सामान्यता क्रियाशीलता पाई जाती है ठीक है क्रियाशीलता पाई जाती है तो जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या रहने वाला है बारहवीं का तो देखेंगे बारहवीं का जो राइट आंसर रहेगा भाई रहे क्या रहेगा ऑप्शन नंबर ठीक है क्या रहेगा ऑप्शन नंबर दस रहेगा सलवाडोर ठीक है सालवाडोर हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर रहे ठीक है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किस द्विबीज पत्री तने में प्राथमिक तथा द्वितीयक द्वितीय द्वितीय दोनों की उपस्थिति पाई जाती है दोनों की उपस्थिति पाई जाती है तो जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या रहेगा इसका जल्दी से तो देखेंगे इसका जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा ऑप्शन नंबर बार ठीक है लेप्टा डीनिया लेप्टा डीनिया हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बार ठीक है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों बच्चों देखेंगे कार्क कैम्बियम का निर्माण प्राथमिक कार्टिक्स की कोशिकाओं में होता है 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 तो कौन सी है? जल्दी से बताएंगे कौन सी है जल्दी से राइट right आंसर क्या रहने वाला है बच्चों जल्दी से बताओगे जल्दी से बताओगे राइट आंसर क्या रहने वाला है जल्दी से जवाब देंगे सभी बच्चे तो देखेंगे इसका जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा ऑप्शन नंबर बह ठीक है द्वितीयक मेरी स्टेम ठीक है द्वितीयक मेरी स्टेम राइट आंसर रहेगा ठीक है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है द्वितीयक वृद्धि मुख्यता पाई जाती है द्वितीयक वृद्धि मुख्यता

जल्दी से बताएंगे बच्चों राइट आंसर इसका क्या रहने वाला है तो देखेंगे इसका जो राइट right आंसर रहने वाला है क्या है ऑप्शन नंबर आर ठीक है क्या है ऑप्शन नंबर आर द्वारा द्वारा ठीक है किया गया है ठीक है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जब जाइलम के दोनों ओर फिलोय तथा कैम्बियम उपस्थित होते हैं वैस्कुलर बंडल को कहते हैं तो वैस्कुलर बंडल को क्या कहते हैं जल्दी से बताएंगे राइट right आंसर क्या रहने वाला है इसका जल्दी से तो देखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा ऑप्शन नंबर द हो जाएगा ठीक है बाइकोलेटल ठीक है क्या कहते हैं बाई कोलेटरल ठीक है ये राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर दस ठीक है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एम्फी ठीक है एम्फी बेसल बैस्कुलर बंडल किस तने में द्वितीय वृद्धि से बनते हैं द्वितीय वृद्धि से बनते हैं तो जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या रहने वाला है इसका जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या रहने वाला है तो देखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा ऑप्शन नंबर सात ठीक है ड्रेसीना में ठीक है ड्रेसीना में राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सात ठीक है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कार्क कोषाएं होती हैं कार्क कोषाएं होती हैं तो कौन सी होती हैं है कारकोषाएं जल्दी से बताएंगे राइट right आंसर क्या रहने वाला है इसका तो देखेंगे इसका जो ऑप्शन रहेगा जो राइट right आंसर रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर बा ठीक है क्या रहेगा ऑप्शन नंबर बा मृत कोषाएं होती हैं ठीक है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक बीज पत्री पौधे में पौधों में ग्राफ्टिंग संभव नहीं होती है क्योंकि क्यों नहीं होती है क्योंकि ये कैसे होते हैं जल्दी से बताएंगे क्योंकि ऑप्शन नंबर आ रहेगा इसमें कैम्बियम नहीं होता क्योंकि इनमें कैम्बियम नहीं होता है ठीक है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कार्क कैम्बियम एक उदाहरण है तो कार्क कैम्बियम एक उदाहरण है किसका है जल्दी से बताएंगे राइट right आंसर क्या रहने वाला है तो देखेंगे इसका जो ऑप्शन रहेगा हमारा जो राइट आंसर रहेगा वही क्या रहेगा ऑप्शन नंबर का ठीक है क्या रहेगा सॉरी ऑप्शन नंबर सा रहेगा ठीक है

ठीक है तो ग्रेट कोषाएं होती हैं कौन सी होती हैं ग्रेड कोषाएं जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या रहने वाला है राइट आंसर क्या रहने वाला है तो देखेंगे राइट आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा ऑप्शन नंबर ठीक है फूलों में उपस्थित स्कल रीडर्स ठीक है क्या रहेगा फूलों में उपस्थित स्कल रीडस ठीक है ये राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर वाह नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है हमारा आपकी स्क्रीन पे दिया है ऑर्किड्स में बेलामेन मेन उतक उपस्थित होता है जो आवश्यक होता है तो जो आवश्यक होता है किसमें आवश्यक होता है जल्दी से बताएंगे जल्दी से बताएंगे किसमें आवश्यक होता है राइट right आंसर कौन सा रहने वाला है इसमें हमारा तो देखेंगे इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा ऑप्शन नंबर सात ठीक है क्या रहेगा ऑप्शन नंबर रहेगा नमी अवशोषित करने में आवश्यक होता है ठीक है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे असामान्य द्वितीय वृद्धि होने से फ्लोएम फ्लोए पॉकेट का निर्माण किस किस से होता है तने से होता है जल्दी से बताएंगे होता है जल्दी से राइट आंसर क्या रहने वाला है तो राइट आंसर ठीक है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारा असामान्य कैम्बियम की असामान्य क्रियाशीलता से असामान्य द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है तो किसमें पाई जाती है राइट आंसर क्या रहेगा इसमें

जड़ में ही हमारा राइट आंसर रहेगा ठीक है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक, एक बीज पत्री में वार्षिक वलय का निर्माण नहीं होता है क्योंकि क्यों नहीं होता है एक बीज पत्री में वार्षिक वलय का निर्माण नहीं होता है क्यों नहीं होता है जल्दी से बताएंगे क्योंकि ऑप्शन नंबर बारह इसमें राइट आंसर रहेगा क्योंकि कैम्बियम अनुपस्थित होता है ठीक है क्या होता है क्योंकि इसमें कैम्बियम अनुपस्थित होता है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वायु तक का निर्माण निम्न से होता है वायु तक का निर्माण निम्न उतक से होता है तो कौन से उतक से होता है तो देखेंगे इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा ऑप्शन नंबर ठीक है मृदु तक से होता है ठीक है इससे होता है मृदु मृदू से होता है ठीक है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है टाइलोसिस ठीक है टाइलोसिस संबंधित होते हैं टाइलोसिस किससे संबंधित होते हैं जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या रहने वाला इसमें तो देखेंगे इसमें जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा ऑप्शन नंबर दस ठीक है

तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है एल्स्यूरोन ठीक है एल्स्यूरोन मेयर में मुख्य पदार्थ है ठीक है तो एल्स्यूरोन एल्यू में एल्यूरोन लेयर में मुख्य पदार्थ है तो कौन सा है मुख्य पदार्थ जल्दी से बताएंगे बच्चों जल्दी से बताएंगे बच्चों राइट आंसर इसका क्या रहने वाला है जल्दी से तो देखेंगे इसमें जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा ऑप्शन नंबर आ प्रोटीन ठीक है प्रोटीन राइट आंसर रहेगा ठीक है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ब्रच जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं उनके तनों में उनके तनों में क्या होते हैं क्या नहीं पाए जाते हैं जल्दी से बताएंगे जल्दी से बताएंगे उनके तनों में ऑप्शन नंबर राइट आंसर रहेगा बर्सीय बलय अलग अलग नहीं होते ठीक है उनके तने में बर्सीय वलय अलग अलग नहीं होते हैं ठीक है बच्चों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है तो देखेंगे दिया है बर्फ कोई बात नहीं सॉरी तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बर्सीय बलय किसकी गतिविधियों के कारण बनते हैं तो किसकी गतिविधियों के कारण बनते हैं बर्सीय बलय है? जल्दी से बताएंगे तो देखेंगे इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा ऑप्शन नंबर सात ठीक है क्या रहेगा ऑप्शन नंबर चार रहेगा कैम्बियम की ठीक है कैम्बियम की राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सात ठीक है अगला देखेंगे नेक्स्ट यूनिट देखते हैं फोर्थ यूनिट फोर्थ आ गई यूनिट फोर्थ में देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा बर्तिकाग्र जिसको कहते हैं स्टिग्मा ठीक है स्टिग्मा में पराग नलिका बर्तिका जिसको कहते हैं स्टाइल को पार करती है करते हुए भ्रूण भ्रूढ़ो में चलेजा में भी पहुंचती है तो इसे कहते हैं इसे क्या कहते हैं जल्दी से बताएंगे जल्दी से बताएंगे क्या कहते हैं इसे तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर नंबर हमारा राइट रहेगा 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 इसमें क्या रहे रहे चलेजो कहते हैं क्या कहते हैं इसे चलेजो कहते हैं ठीक है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक माने जाते हैं तो भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन रहेगा तो देखेंगे इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा ऑप्शन नंबर सात ठीक है पी माहेश्वरी पी माहेश्वरी माने जाते हैं ठीक है कौन माने जाते हैं पी माहेश्वरी ठीक है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बीज रहित फलों का उत्पादन कहलाता है ठीक है तो बीज रहित फलों का उत्पादन कहलाता है क्या कहलाता है जल्दी से बताएंगे राइट आंसर इसका क्या आंसर रहने वाला है तो देखेंगे इसका जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा ऑप्शन नंबर सात ठीक है पार्थेनोकार्पी ठीक है पार्थेनोकार्पी हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सात ठीक है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एनजीओ स्पर्म में द्विनिषेचन की खोज की थी ठीक है तो एनजीओ स्पर्म में द्विनिषेचन की खोज की थी किसने की थी जल्दी से बताएंगे राइट राइट आंसर आंसर क्या है है इसमें इसमें कौन सा जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे तो देखेंगे इसमें जो राइट आंसर रहेगा भाई क्या रहेगा ऑप्शन नंबर सात ठीक है क्या रहेगा ऑप्शन नंबर सा रहेगा नवाज सचिन ने ठीक है किसने की थी नवाज सचिन ने ठीक है अगला देखेंगे, देखेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया है आपकी स्क्रीन पर दिया है अधिकांश पुष्पधारियों में पराग नलका माइक्रो माइक्रो पाइल से भ्रूण भ्रूढ़ोष में प्रवेश करती है इसे कहते हैं तो इसे क्या कहते हैं जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या रहने वाला है इसका जल्दी से बच्चों राइट आंसर इसका क्या रहने वाला है जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे तो देखेंगे इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर आठ ठीक है पोरोगैमी ठीक है पोरोगी इसका राइट आंसर रहेगा ठीक है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है बीजांड बीजांड जिसको कहते हैं ओबिल में अर्धसूत्री विभाजन होता है ठीक है तो बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इसमें किसमें होता है जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या रहने वाला है इसका तो देखेंगे बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर सात ठीक है, है सा, मेगा स्पोर में ठीक है मेगा स्पोर मार्त कोशा में ठीक है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें बात साथ साथ में शेयर भी करते रहिएगा वीडियो को ठीक है वीडियो को शेयर भी करते रहेगा लाइक करना तो बिल्कुल ही ना भूलें बच्चों तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मोनोस्पोरिक आठ नाभिकीय मादा पाया जाता है ठीक है तो किसमें पाया जाता है राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है बच्चों तो देखेंगे इसका जो राइट आंसर रहने वाला है क्या है ऑप्शन नंबर सात ठीक है पॉलीगोनम में ठीक है किसमें पाया जाता है पॉलीगोनम में ठीक है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है स्पोरोपोलिन पाया जाता है ठीक है तो स्पोरोपोलिन पाया जाता है किसमें पाया जाता है जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या रहने वाला है इसका इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है तो देखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा ऑप्शन नंबर आठ ठीक है पोलेन एग्जाइन में, में? में पाया जाता है ठीक है? है? जा है इसे कहते हैं तो क्या कहते हैं इसे अभी ये रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन ये क्या है ऑप्शन नंबर सात ठीक है चले जुगे में ठीक है चले जुगे में राइट आंसर आएगा ठीक है बच्चों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एजिटेट पराग तथा

माइक्रोस्पोर मार्त कोसा से निर्माण होता है किसका होता है जल्दी से बताएंगे राइट right आंसर क्या रहने वाला है तो देखेंगे इसका जो राइट right आंसर रहने वाला है वह ऑप्शन नंबर द ठीक है कड़ों का ठीक है क्या है ऑप्शन नंबर द पराकड़ों का निर्माण होता है ठीक है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एनजियो स्पर्म्स के पराग में पाए जाते हैं ठीक है तो एनजियो स्पर्म्स के पराग में पाए जाते हैं कौन पाए जाते हैं जल्दी से बताएंगे क्या पाए जाते हैं

बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहने वाला है हमारा आपकी स्क्रीन पे आवृत बीजियों में भ्रूड़पोष होता है तो आवृत बीजियों में भ्रूड़ पोष होता है बच्चों तो कौन सा होता है जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या रहने वाला है इसका तो देखेंगे इसमें जो तो हमारा राइट आंसर होगा भाई क्या होगा ऑप्शन नंबर सात ठीक है ट्रिप्लॉइड होता है कैसा होता है ट्रिप्लोइड होता है ठीक है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बहुभ्रूणता का अच्छा उदाहरण ठीक है तो बहुभ्रूणता का अच्छा उदाहरण कौन सा है जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या रहने वाला है इसका तो देखेंगे इसका जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा ऑप्शन नंबर बह ठीक है, है संतरा संतरा इसका राइट आंसर रहेगा ठीक है संतरा इसका राइट right उदाहरण रहेगा राइट आंसर रहेगा ठीक है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सहायक कोष का होती है ठीक है तो सहायक कोष का होती है कौन सी होती है सहायक कोष का जल्दी से बताएंगे राइट right आंसर क्या है इसका इसका राइट right आंसर क्या है सहायक कोश का होती है तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बह हमारा राइट आंसर रहेगा ठीक है अगुणित होती है ठीक है सहायक कोष का कैसी होती है अगुणित होती है ऑप्शन नंबर बह हमारा राइट रहेगा ठीक है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है परागकण पराग, कर, पराग में पराकोश से ऑप्शन नंबर तो क्या रहने वाला है ऑप्शन नंबर बह हमारा राइट आंसर रहने वाला है दो कोशीय अवस्था में गिरते हैं में गिरते हैं दो कोशीय अवस्था में गिरते हैं ठीक है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों एपोमिक्सिस टर्म किसने दिया ठीक है तो एपोमिक्सिस मिक्सिस्ट टर्म किसने दिया था जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या रहने वाला इसका इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है तो देखेंगे इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बार ठीक है ने दिंकलर ने दिया था किसने दिया था ने दिया था ठीक है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बहुभ्रूढ़ता सामान्यता पाई जाती है ठीक है बहुभ्रूढ़ता सामान्यतः पाई जाती है तो किसमें पाई जाती है सामान्यता राइट आंसर क्या रहेगा इसका इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है देखेंगे इसका आंसर जो रहने वाला है वो हमारा ऑप्शन नंबर बार रहने वाला है ठीक है सिटरस ठीक है सिट्रस में हमारा राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बार ठीक है बहुभ्रूढ़ता सामान्यता पाई जाती है किसमें पाई जाती है सिट्रस में पाई जाती है ठीक है थीके? तो बच्चों जो है हमारे बीएससी पार्ट सेकंड ईयर के फर्स्ट पेपर का लास्ट क्वेश्चन था बच्चों और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों तो कृपया करके वीडियो को लास्ट तक देखिएगा वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल ना भूलें बच्चों क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए आपके लिए और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन जो है है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे बच्चों तो बच्चों ठीक तो साथ साथ में वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा और इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें हमने इसका लिंक दे दिया है वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों में ही ठीक है तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट ही आज भी डाउनलोड आज ही डाउनलोड कर लें क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज ही से तैयारी में जुड़ जाइएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे से समझाए गए हैं ठीक है तो जय हिंद बच्चों मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद